नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार जायसवाल है और मैं ग्रेजुएट हूँ बायो से फ्रॉम उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज से, और मैंने डिप्लोमा और मास्टर डिग्री किया है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में। और मैं इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज ये मेरा इंट्रोडक्टरी सेशन है इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके प्रति, और मैं एक और मैं सर्टिफाइड कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमने किया है एज ए न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइज़र फ्रॉम द न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया से, जहाँ से हमने एज ए न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है आज के खाने में, कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या रेलेवेंस है आज के समय में, हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और मैसेज बॉक्स में हमें अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि ये चैनल आपको किस तरीके से हेल्पफुल लग रहा है, आपके क्या सवाल हैं, उस सवाल को भी आप इस मैसेज बॉक्स में आप देंगे, तो ताकि हमें ये लगे कि आपको क्या सलूशन की आवश्यकता है और हम आपको क्या देना चाह रहे हैं। तो मैं आज एक बात करूंगा आपसे बारे में, कुछ सवाल है हमारे गुड हेल्थ के बारे में कि हमारे पास गुड हेल्थ को लेकर के क्या हमारी विचारधारा है। तो ये चार सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, इन चारों सवालों के जवाब आपको यस आर नो में देना है। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आप सिगरेट पीते हैं या सिगरेट के धुएं में सांस लेते हैं? फिर से सुने, क्या आप सिगरेट पीते हैं या सिगरेट के धुएं में सांस लेते हैं? दूसरा सवाल हमारा आपसे है, क्या आप हवा, पानी, फलों और सब्जियों में केमिकल ले रहे हैं? यस आर नो, इसका जवाब मुझे आप देंगे। तीसरा सवाल ये है कि क्या आप सप्ताह में एक बार तली चीज़ों का सेवन करते हैं? तली चीज़ों, क्योंकि आज सिचुएशंस पेंडेमिक की है, हम सभी लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, तो हम जरूर ही अपने घरों में हम चाहे पकौड़ी हो, चाहे समोसा हो, चाहे और किसी प्रकार के डिश हैं, उसमें हम जो है तली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप हर रोज़ 9 कटोरियाँ सब्जी या फल ले रहे हैं? तो अगर पहले, दूसरे और तीसरे सवालों का जवाब यस में है और चौथे सवाल का जवाब अगर नो में है, तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले 5 से 10 सालों में आप अपने जीवन शैली संबंधित जो बीमारियां हैं उससे आप प्रभावित होने वाले हैं। तो हम बहुत सारे सेगमेंट्स को लेकर के आपके बीच में आएंगे कि एक गुड हेल्थ क्या है, लाइफ स्टाइल क्या होती है, हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम मिस करते हैं, और मिस करने के दौरान हमारे लाइफ में हम ऐसे डिजीज़ के हम इफ़ेक्टिव हो जाते हैं डिजीज़ के, कि हम फिर अपने लाइफ को थोड़ा सफ़र करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, हम चूँकि मेरा ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, मैं आपको थोड़ी सी अपने बारे में बताया, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपके क्या सवाल हैं, किस प्रकार के सोल्यूशंस आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, वो हमें ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरा हमारा प्रयास है कि हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको दे सकें। तो आने वाले एपिसोड्स की आप प्रतीक्षा करें, ढेर सारी चीज़ें हम अपनी हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, हमारा ऑप्टिमम हेल्थ क्या है, ऑप्टिमम हेल्थ की तरफ हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने इम्यूनिटी से रिलेटेड हम अपने लाइफ में और क्या कर सकते हैं, इसके संदर्भ में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। और हम चूँकि हमारा ये भारत या कह लीजिए पूरी दुनिया, आज हम आयुर्वेद की तरफ हम जा रहे हैं कि आयुर्वेद हमारे हेल्थ के लिए क्या कहता है, इसके बारे में भी ढेर सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस माई चैनल, ये आपका चैनल है, आपकी सवाल हैं, आपका सोल्यूशंस हैं, ये सब हम आपके साथ लेकर के आएंगे। धन्यवाद।